मेरा नाम नदीम शेख है, मेरी 22 एज है और मैं फुट आर्टिस्ट हूँ। पेंटिंग मैं अपने पैरों से करता हूँ। एक बार मैंने शिवाजी महाराज जी की मैंने पेंटिंग बनाई थी जब फोर्थ स्टैंडर्ड में मैं था, तो तब मुझे मेरी मैम ने कहा था कि आपने बहुत अच्छा बनाया है। तो उस टाइम से मतलब मेरा पेंटिंग में और मतलब जो मेरा जो इंटरेस्ट था वो बढ़ गया। तो और मुझे लेक्चर से बचना भी था, तो कभी मुझे अगर मैम अगर कहते कि बेटा तुम आके ड्राइंग कुछ बना दोगे, और जब लेक्चर चलता रहता था और बोरिंग लेक्चर होते थे, तो मैं मैम को फट से कहता था हाँ मैम मैं चल रहा हूँ। मेरा सिवाय पेंटिंग के मुझे स्विमिंग पसंद है, मुझे डांसिंग करना बहुत पसंद है, और मैं कैरम खेलना या फिर पता है लट्टू जो फिर आते हैं भौरा जिसे कहते वो, फिर चेस खेलना, ये सब मेरा मतलब पर्सनल एक्टिविटीज़। और मैं जैसे लंगड़ी खेलना हो गया, फिर खो खो खेलना हो गया, तो ये सब मैंने बहुत सारे खेल खेले हैं। जो भी सारे काम है जैसे बॉटल पकड़ कर पीना, दूध पीना, या फिर खिलौने खेलना, वो सब मेरा सारा काम पैरों से ही होता था। जब मुझे बच्चे लोग जब चिढ़ाते थे कि अरे तेरे दोनों हाथ नहीं है, तेरे दोनों हाथ नहीं है, तो मैं उनको रिप्लाई में अरे यार मुझे लेके घूमना है ना, मुझे पसंद नहीं आता हाथ, इसके लिए मैं घर पे छोड़ के आता हूँ। इंडियन माउथ एंड फुट पेंटिंग आर्टिस्ट, ये मैंने 2007 से ज्वाइन की है और उनके साथ ही मैं काम कर रहा हूँ। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली ये इंटरनेशनल है, इंटरनेशनली 18 अवार्ड्स मुझे मिले हैं, और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर भी बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। इवन दो तीन नेताओं से भी मुझे मिले हैं, मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा है, बट एक अन्ना हजारे जी ने भी मुझे इन्वाइट किया था 2 अक्टूबर को, और उनके सामने मैंने पोर्ट्रेट की, उनकी गांधी जी की मैंने पोर्ट्रेट की थी उस टाइम पे। मुझे मोस्टली जो इंस्पायर करते हैं, जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, पहले तो मेरी माँ है कि उन्होंने मतलब हर डिफिकल्टी में भी मतलब मेरा साथ नहीं छोड़ा। इवन मैं आपको बता दूं कि मेरी मॉम ने जब मुझे देखा था, तो वो मैं जब पैदा हुआ तो दोनों बिना हाथ के, तो वो मुझे देखकर बेहोश हो गए। तो उसके बाद मतलब उन्होंने मतलब मुझे मतलब जब मेरे जो फादर थे वो मुझे कचरे के डब्बे में मुझे फेंकना चाह रहे थे कि मतलब कि इसको नहीं अपनाना है, तो बट लेकिन मेरी माँ ने बोला नहीं ये कैसा भी मेरा बेटा है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। मेरे भाइयों ने मुझे हमेशा एक्सेप्ट किया। यंग जनरेशन जो है उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि आप अपने प्रेजेंट में जिए, क्योंकि आजकल के लोग प्रेजेंट ही भूल गए, वो लगे फ्यूचर के पीछे या लगे अपने पास्ट को लेकर रोते रहते हैं। तो मेरा नज़रिया यही है कि अगर जब आप अपना प्रेजेंट आप जी लेते हो तो आपका पास्ट भी बन जाएगा और आपका फ्यूचर भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जो मुझे टैलेंट दिया है तो मैं उसका ना शुक्रिया क्यों करूं? क्योंकि अगर जब उसने जब मुझे इतना सब चीज दिए है तो मैं क्यों कहूं कि मतलब मेरे दोनों हाथ क्यों नहीं दिए।
ऐसा बनाया उसने कि मैं सबके हजारों के बीच में भी खड़ा रहूंगा तो भी मैं पहचाना जाऊंगा।